हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जिंदगी इन शॉर्ट। ये एक एंथोलॉजी है जिसमें आपको टोटल 7 अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है और ओवरऑल लेंथ तकरीबन 2 घंटे की है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है 7ों के 7 कहानियां आपको यूनिक लगेगी और हर एक स्टोरीज में कुछ ना कुछ मैसेज देखने को मिलेगा। बट एक जो स्टोरी है जहाँ पर हमें डेटिंग ऐप के बारे में बताया, तो वो मैसेज कम वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी वो भी स्टोरी कुछ इतनी भी बुरी नहीं थी। यानी देखा जाए तो सारी की सारी स्टोरीज अलग हट के लगती और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और एक्सपेक्टिंग तो छोड़ो, मुझे जिंदगी इन शॉर्ट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मगर मेरे एक सब्सक्राइबर दिवेश, उन्होंने मुझे आई थिंक 2-3 दिन पहले बताया था, तो आज मुझे जब वक्त मिला तो मैंने इस शो को देखा है। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, मतलब हर एक स्टोरी को इतनी अच्छी तरह से शूट किया कि आपको ऐसा फील आता है कि आपके में कोई रियल लाइफ कैरेक्टर्स को देख रहे हो। उसके अलावा अगर BGM की बात करो तो यहाँ पर मेरा जो दिल है वो पूरी तरह से इस एंथोलॉजी ने ले लिया भाई। अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही बहुत ही बहुत अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जो दिव्या दत्ता का रोल था वो काफ़ी चैलेंजिंग था और इस तरीके के रोल्स में हमें वो पहले भी नज़र आ चुकी है, लेकिन मानना पड़ेगा एक गजब की अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है, जो मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों को पता है कि उसका कैलिबर क्या है और उस हिसाब से उसको रोल दिया जाता है, तो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो काफ़ी कमाल के होते हैं। और नीना गुप्ता जी का भी परफॉर्मेंस बहुत ही रियलिस्टिक था, एकदम बिलीवेबल परफॉर्मेंस था। और जो बच्चे लोग थे, स्पेशली वो जो बच्चा जिसने यहाँ पर 6th स्टोरी में जो हमें नज़र आता है, यार इतना गजब का परफॉर्मेंस किया कि मतलब आप उसको जब देखोगे तो आपको आपके बचपन की याद आ जाएगी। तो देखा जाए तो यार सभी एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। और हाँ, दीपक धुबरियाल, वो हमें लास्ट 7th स्टोरी में नज़र आते हैं और उनकी आप कह सकते हैं कॉमेडी भी है और काफ़ी हद तक रियलिटी पे भी मैच खाती है उनकी स्टोरी। परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा और एज वेल जो एक अपना अलग अंदाज जो प्रेजेंट करते हैं वो आप फील कर पाओगे उनकी स्टोरी में भी। तो देखा जाए तो एक ऐसी एंथोलॉजी है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, लेकिन सब लोग मुझसे सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि जो 2nd स्टोरी दिव्या दत्ता की उसमें बहुत ही ज़्यादा एडल्ट सीन है। जो एंड वाली स्टोरी है तो वहाँ पर भी जो जो चीज़ें जो जो डायलॉग है तो वो थोड़ा बहुत एडल्ट लगते हैं, तो मेरे हिसाब से ये फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और यस, मैं इसको रेटिंग दूंगा 8/10। मेरे हिसाब से ये एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब आपके ऊपर है भाई, आपको मर्जी तो देखो। अगर आपने ऑलरेडी देख चुके हो तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोग क्या रेटिंग दोगे ये भी बता सकते हो, क्योंकि थोड़े बहुत तो यूट्यूबर आप भी बन गए होगे अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो कई दिनों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।